बच्चे ने जुर्म तो परिजन भुगतेंगे सजा। अभी पूरा मामला आपको समझाते हैं। नाबालिग के अपराध पर माता पिता पर भी कार्रवाई होगी। इंदौर पुलिस ने जोन 3 से यह अभियान शुरू किया है। शहर में लगातार नाबालिग के वारदातों के बाद अब इंदौर पुलिस की सख्ती यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वारदात में नाबालिग शामिल हुआ तो गार्जियन जिम्मेदार होंगे, गार्जियन से बॉन्ड ओवर भरवाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर और एक बड़ा अभियान का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगर बच्चे ने किसी प्रकार का जुर्म किया है तो परिजन उसकी सजा भुगतेंगे। नाबालिग के अपराध पर माता पिता पर भी कार्रवाई होगी। इंदौर पुलिस ने जोन 3 से यह अभियान की शुरुआत की है और आपको बता दें कि जिस तरीके से शहर में लगातार नाबालिग की वारदातें बढ़ते जा रही थी, कई घटनाएं सामने थी जिसमें जो नाबालिग थे उनकी संलिप्तता पाई जाती थी, वो उसमें शामिल होते थे और यही कारण है कि एक नया अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। गार्जियन से यहाँ पर बॉन्ड ओवर भरवाए जाएंगे। प्राय देखने में आ रहा है कि 14 से 18 साल के नाबालिग कुछ गंभीर वारदातों का अंजाम दे देते हैं। इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नाबालिग पे जो कार्रवाई होगी होगी, जो विधि विरुद्ध बालिक है उसके खिलाफ जो कोर्ट से कार्रवाई होगी होगी, परंतु उनके माता पिता, उनके बड़े भाई, उनके समाजजन को भी इसमें जिम्मेदारी दी जा रही है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है ताकि एक जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ के। अंशुल, देखिए शहर में जिस तरीके से जो अपराध बढ़ रहे थे उसमें नाबालिग भी शामिल होते थे, आपने ये खबर हम तक पहुंचाई और इसके बाद ये नया अभियान, क्या इस अभियान का उद्देश्य रहने वाला है और इस अभियान के बारे में विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शहर में लगातार पिछले कुछ दिनों से जो वारदातें सामने आ रही थी उसमें बड़ी संख्या में नाबालिग अपराधी जो है वो निकल करके सामने आ रहे थे, जिनकी उम्र काफी कम थी और जो रहते अपने परिवार के साथ ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधों में लगातार उनकी संलिप्तता जो है वो बढ़ती जा रही थी। इसी को देखते हुए पुलिस ने एक नवाचार जो है वो शुरू किया है। पुलिस ने अब जो है सख्ती दिखाना शुरू की और ये सख्ती उन नाबालिग अपराधियों के साथ साथ उनके गार्डियंस, उनके माता पिता और भाइयों पर भी दिखाई जाएगी जो कि इन नाबालिगों के साथ रहते हैं और इन्हें अपराध करने से रोकते नहीं है। इसके पीछे पुलिस का उद्देश्य यही है कि जो नाबालिग लगातार इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जो अपराधों में संलिप्त है, उनके माता पिता पर सख्ती दिखाई जाए, उनसे बॉन्ड ओवर कराया जाए और उसमें यह साफ लिखा गया है कि यदि अगली बार नाबालिग किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त रहता है तो उसमें बॉन्ड ओवर का उल्लंघन माना जाएगा और नाबालिग के साथ साथ उसके जो परवरिश करने वाले माता पिता हैं, जो साथ में रह रहे हैं और जो उसे अपराध करने से नहीं रोक रहे हैं, उन्हें भी दोषी माना जाएगा। यानी कि पुलिस का साफ साफ यह कहना है कि जो नाबालिग अपराधी हैं उनके परिवार में इस तरह का खौफ पैदा किया गया कि यदि वो अपराध करते तो उसकी समय रहते सूचना जो है अपराध से पहले ही पुलिस को मिल जाए और नाबालिग को अपराध करने से रोका जा सके। साथ ही परिवार का भी उनके ऊपर दबाव बना रहे कि वे शहर में आप अपराध करेंगे तो उसकी सजा जो है वो परिवार को भी मिल सकती है। और इसमें पुलिस का साफ यह कहना है कि नाबालिग जो है उनके माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो नाबालिगों को किसी तरह के अपराध में जाने से रोकें, यदि वे अपराध करते हैं तो इसकी समय रहते पुलिस को सूचना दे ताकि नाबालिगों को सही समय पर अपराध से पहले ही गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल अब पुलिस का अभियान जो है एक जोन में शुरू किया गया है और यदि इसमें सफलता प्राप्त होती है इसे पुलिस अन्य जोन में भी शुरुआत करने जाएगी। जी चलिए अंशुल, तो इस अभियान का उद्देश्य तो साफ है, उम्मीद यही है कि अपराधों में कमी आए, नाबालिग जो संलिप्त होते हैं कई बड़े अपराधों में वो ना हो आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।